तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जो भक्त लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, सो बहुत सुंदर श्लोक है, कर्दम्ब मुनि की प्रार्थना। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, सुभमाता जी यू कैन रिकॉर्ड दिस लेक्चर। यस सर। या थैंक यू। सो बहुत ही सुंदर श्लोक। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर भगवद गीते का श्लोक है के जो श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कोई भक्त, कोई व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति में लगा हुआ है, If he is constantly engaged in my devotional service, अगर निरंतर मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मेरी सेवा में लगा हुआ है, तो वो क्या है? Recording in progress. वो ये जो त्रिगुणात्मक, ये तीन गुणों से ये जो भौतिक संसार बना हुआ है, तो उस इस संसार से, इस भौतिक जगत से वो परे हो जाता है और वो ब्रह्म भूत परसन्न आत्मा उस स्टेज पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भक्त, तो ये जो भक्त हैं, यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्त इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं उठाना चाहते, और अगर हम जब तक कांस्टेंट नित्यम भागवत सेवा, हम निरंतर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के गुण रूप लीला माधुरी को सुनने की इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, तो हम अगर हमारी इच्छा ऐसी नहीं होगी, हम इसमें प्रयत्नशील नहीं रहेंगे, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। वी विल बी ऑलवेज इन अ डिस्ट्रेस। हमारे पास देखा गया है कि हमारे पास अगर स्पिरिचुअल लाइफ में भी, अगर हम ये स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं, इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी हमारे पास कुछ एक अच्छी पोजीशन है, उसके लिए वजह से हम खुश हो जाते हैं। किसी ने कोई अप्रिशिएट कर दिया, अरे माता जी, अरे प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने सेवा की, अरे बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से जपा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से एवरी डे क्लास अटेंड कर रहे हो, वी गेट अप्रिशिएट। लेकिन हम जब सुनते हैं कुछ अच्छी बातें भक्तों के मुखारविंद से, हमें अप्रिशिएट करते हैं सीनियर्स कि हमने कुछ अच्छी सर्विस की है, तो हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है, हम एक थोड़ा थोड़ा भक्ति में कह सकते हैं कि हम लोग उच्चतम आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन कोई भक्त अगर हमारी सर्विस को रिकग्नाइज नहीं करता, हमारी सर्विस को अप्रिशिएट नहीं करता, तो वो तुरंत हमें इफेक्ट करता है। ऐसे फील होता है कि अरे मैंने, माता जी हमने, प्रभु जी हमने इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया, फिर भी कोई अप्रिशिएशन नहीं है। सो हम लोग, कहने का तात्पर्य यही है कि हम कुछ वचनों से हमारे जीवन में हमेशा प्रभाव पड़ता है। वी आर ऑलवेज, हम लोग हमेशा कुछ अच्छा सुनने के लालसा में रहते हैं, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में जी रहे हैं, हम उसी के साथ सब कुछ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक में जो भगवद गीता का जो श्लोक है, उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ संबंध स्थापित करोगे, तो अगर आप मेरे साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करोगे, सो यू विल बी ट्रांसेंड, मीन्स आप इस भौतिक जगत से परे हो जाओगे और आध्यात्मिक जगत में मेरे पास आ जाओगे, और आप
उसके साथ साथ अगर मेरे साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करोगे तो इस संसार के जो ये सुख दुख के जो उतार चढ़ाव है उसमें उसे आप इफेक्ट नहीं होगे। हमने पिछली बार भी बहुत बार चर्चा की है दुखालयम अशाश्वतम, ये जो जो संसार है ये टेम्पररी है। प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, प्रभुपाद तो बार बार दुखालयम अशाश्वतम दुखों का सागर है। एक बार है ना भक्त मुझे कहा कि भक्त नहीं सॉरी एक व्यक्ति मुझे आके कहा यार तुम लोग के लेक्चर में हमेशा है ना तुम लोग बहुत दुख की बातें करते हो कि दुख है दुख है। कहाँ दुख है, सब लोग तो सुख है सुखी है, तुम लोग है ना टॉर्चर करते हो सुखी आदमी को भी तो दुखी बना देते हो, उसको बता बता के नहीं तुम दुख अनुभव कर रहे हो तुम दुख अनुभव कर रहे हो। होता है ना कभी ऐसा, प्रभु जी कहाँ प्रॉब्लम किधर है, सभी के लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है, सब लोग तो सुखी है सब अच्छे से जी रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ सुखी हो बट हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू, कितनी देर इसको अनुभव कर सकते हो सुख का। हम सोच रहे हैं कि हम खुश है लेकिन वी विल नॉट बी अलाउड टू बी फॉर अ लॉन्ग टाइम बी हैप्पी, अशाश्वतम क्षणिक, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमें सुख का अनुभव होता है लेकिन फिर वापस दुख आ जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है, हमें क्या होता है कि हम ऐसे पॉसिबिलिटी है कि हम इस जड़ जगत में दुख का अनुभव कर रहे हैं। हम प्रभुपाद यहां तात्पर्य में जो शब्द यूज कर रहे हैं पता नहीं मैं बोलूं या नहीं बोलूं, अपने तात्पर्य में देखा इस संसार में जीव सड़ रहा है, मैंने कहा यह तात्पर्य में लिखा हुआ है, अगर आपने ठीक से सुना होगा तो यहां पे तात्पर्य में देखिए लिखा हुआ है एक जीव सड़ रहा है और इस उसको क्या लग रहा है, उसको इस संसार में रहकर ऐसे लग रहा है कि अलग अलग प्रकार के सफरिंग्स उसके जगत इस उसके शरीर के साथ उसकी मन बुद्धि अहंकार के साथ वो इफेक्ट कर रहा है, वो मिल रहा है हमें इस संसार में, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि यही जगत है यही सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी यही हो रहा है तो उसमें क्या गलती क्या है, प्रभु जी क्या गलत है। कर्दम मुनि यहां पे ही रिकग्नाइजिंग लॉर्ड्स मर्सी बता गया है कि भगवान की जो कृपा है कि भगवान की इच्छा नहीं है कि हमें इस संसार में इस अंधकूप में इस भौतिक जगत में हमें भेजे, भगवान की इच्छा नहीं है ये और हम यहां आके हमें दुख का अनुभव कराए हमें दुखी करे, ये भगवान की इच्छा नहीं है। ये कर्दम्ब मुनि कह रहे हैं अनविलिंगली, बोले तो उनकी इच्छा नहीं है, ये संसार ये जो भौतिक जगत बनाया है भगवान ने ये अपनी इच्छा से नहीं बनाया। और ये कैसे बनाया हम सब जानते हैं, भगवान की शक्तियां पराशक्ति तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति, तो भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति से बनाया है बट क्या है कि इसके साथ भगवान का कोई संबंध नहीं है। भगवान इस सृष्टि को निर्माण करते हैं लेकिन ये कार्य किसी और को दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो जो उनका अंश है जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, वो जो नित्य दास बनने का जो उसका एक जीव का स्वरूप है वो वहां से बगावत करके अपनी सृष्टि बना के वहां एंजॉय करने की सोच रहा है, भगवान को नहीं अच्छा लग रहा है। भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भेजा है लेकिन हमारी इंद्रियों को भोगना ये हमारा स्वरूप नहीं है,
ये इस जड़ जगत में हम दुख का अनुभव करें, दुखी होए, सफरिंग अनुभव करिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत समझना चाहिए। ये श्लोक जब पढ़ रहा था मैंने बोला कितना सुंदर तरीके से, अगर ये कोई कोई पढ़ेगा ना ध्यान से, हाँ एकदम ध्यान से कोई पढ़ेगा, और अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो समझ सकता है कि कितना डीप मीनिंग है इसमें। कि हाँ मैं तो ये संसार में इतना सारा दुख भोग रहा हूं, ये क्यों भोग रहा हूं। तो भगवान यहाँ पे कर्दम मुनि के सामने अपियर हुए हैं तुलसी का गालन पहन के। वो क्यों हुए हैं? अनुग्रहाय, जीवात्मा के ऊपर कृपा बरसाने के लिए। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक के कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं, वो हम श्लोक के संस्कृत जो श्लोक की लाइन है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा समझेंगे इस श्लोक को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्दमुनि प्रे क्या कर रहे हैं, देखिए। न एत बत अधीश पदम तवे इप्सितम। इप्सितम मतलब यहाँ पे प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा है, देखिए, इच्छा। और पदम मतलब ये भौतिक संसार। न एतत अधीश, ओ सुप्रीम कंट्रोलर, हे भगवान श्री कृष्ण, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, सुप्रीम लॉर्ड, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये आपकी इच्छा नहीं है इस भौतिक संसार को बनाने की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। इसको समझना कि ये भगवान की इच्छा नहीं है। तो इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है, तो भगवान ने बनाया क्यों? अगर इच्छा नहीं है तो भगवान ने बनाया क्यों? हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान की इच्छा के बिना फेमस वाक्य क्या है, बचपन से सुनते आ रहे, एक झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, करेक्ट। तो ये अगर झाड़ का पत्ता हिल नहीं सकता, तो जिस झाड़ के झाड़ का पत्ता वो झाड़ में लगा हुआ, और जो झाड़ इस भौतिक जगत में, उस भौतिक जगत को बनाया क्यों? क्योंकि व्यक्ति सोचता है, एक जीव सोचता है कि भगवान ने मुझे जीवा दी, भगवान ने मुझे आंखें दी, इंद्रियां दी, हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ, इतना सुंदर शरीर दिया, ये भगवान ने दिया क्यों है? अरे खाओ, क्यों पियो, मौज करने के लिए दिया है, ऐश करने को दिए दिया है। कहते हैं ना भौतिकवादी लोग, जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो उनके लिए पास। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि हमें इस भौतिक जगत को भगवान ने क्यों बनाया? बिकॉज आवर डिजायर, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने बनाया है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट विलिंगली, मीन्स इच्छा के बिना, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन चलो तू अपना संसार अलग से बनाना चाहता है तो बना दे, लेकिन माँ बाप खुश नहीं होते उससे। लेकिन अगर हम उस संसार में रह के खुद आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे निम्न प्रकार का कार्य है, क्योंकि इस संसार में हमें सुख मिल ही नहीं सकता। न एतत बत अधीश पदम तपेस तवे स्पितम। तो भगवान ने क्यों बनाया? यन मायया नस्तने नूशे यन मायया। तो ये जो भौतिक सृष्टि है, ये जो क्रिएट की है, वो किससे, किसने की?
एक्सटर्नल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति से भगवान ने इस संसार को बनाया, यन मायाया। किसके लिए भगवान ने आदेश क्यों दिया बहिरंगा शक्ति को कि जाके ऐसा एक संसार बनाओ? क्यों? जैसे हमने चर्चा की, भूत सूक्ष्मम तनस्तुनुषे भूत सूक्ष्मम, क्योंकि एक जो जीवात्मा है वही संसार को संसार में एंजॉयमेंट करना चाहता है, तो इस एंजॉयमेंट के लिए क्या चाहिए? दो शरीर चाहिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, क्योंकि इन दो वस्तुओं से हम इस संसार को भोगने की कोशिश करते हैं, हम भोगते हैं सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये मेरा प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है? प्रश्न पूछ सकते हैं या नहीं, मेरा प्रश्न है ये आपको। तो ये जो भौतिक संसार है वो क्या है? ये है स्थूल और उसमें सूक्ष्म तत्व भी है जो भगवान ने बनाए, और ये किसके लिए बनाए? हमारे लिए। क्योंकि हमें इस संसार में रह के आनंद का अनुभव करना है, हमारे लिए बनाए। अगर हमारे लिए कुछ चीज बनाई है तो भगवान ने अगर हमारे लिए बनाई है, प्रश्न उठता है कि क्यों ना एंजॉय करें, करो एंजॉय, कर लो। तो ये भगवान ने बनाया तो है, ठीक है, हाँ, ये भौतिक जगत भगवान ने हमारे लिए एंजॉय करने के लिए बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने हमें कृपा अपनी बरसाई है साथ साथ में। कैसे? अपनी पर्सनल अपीयरेंस मीन्स खुद अगर आते हैं, खुद अपना दर्शन देने को आते हैं, या तो फिर अपने पावरफुल पार्षदों को भेजते हैं, अपने अनुयायियों को भेजते हैं। तो यहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्होंने व्यासदेव को बुलाया, व्यासदेव को भेजा। तो भगवान ने क्या क्या हमें इस संसार से, वापस भौतिक संसार से हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक लेके जाने के लिए कितने सारे प्रयत्न करते हैं, शास्त्र दिए, प्रभुपाद आए, आचार्य आए, भक्त आए, सब कुछ हमें क्या समझाने के लिए? सिर्फ एक ही वस्तु कि तुम इस संसार के नहीं हो, दिस इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी, यू शुड गो बैक होम टू गॉडहेड, तुम यहां के नहीं हो। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में देखो कि प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान भगवद गीता में लास्ट श्लोक में क्या कहते हैं, इस संसार के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, सब कुछ गिव अप कर लो, यू गिव अप ऑल योर नॉनसेंस एक्टिविटीज, सिंपली सरेंडर, मैं समस्त पाप कर्म फलों से तुम्हें बचा लूंगा। इसके लिए 18 चैप्टर भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान, कि सब कुछ छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज, मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा सुच, मैं आपको सभी पापों से बचाऊंगा, क्योंकि हम पाप तो कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप यही है कि हम अपने आप को शरीर समझ बैठे और शरीर के आसपास सारे हमारे हम कार्य कर रहे हैं, ये सोचना, क्योंकि आगे के पाप तो इस सोच के वजह से आ रहे हैं ना, जड़ तो यही है। तो भगवान तो कृपा बांटते हैं, बांट रहे हैं हमारे सभी के ऊपर। लसत तुलस्या भगवा भगवान विलक्षित, भगवान पर्सनली खड़े हैं कर्दम मुनि के सामने, तुलसी गार्लन के साथ खड़े हैं सामने।
तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत भगवान अपनी कृपा खुद आके बताते हैं, खुद आके बांटते हैं, अनुयायियों के साथ अनुयायियों के द्वारा भेजते हैं या फिर ग्रंथों द्वारा भेजते हैं। बट वी अगर लेकिन हम इस संसार में इतने फंसे हुए कि हमारे पास समय नहीं है इसको समझने के लिए। भगवान की इच्छा नहीं है, आपने ये ग्रॉस सटल सूक्ष्म और स्थूल एलिमेंट सारे बनाए, ये तत्व बनाए आपने, ये क्यों बनाया आपने? वो सब मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, ये मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगर कोई व्यक्ति हमें हमें प्रोवाइड करता है कुछ, तो वो क्या है? ये भगवान की कृपा है या नहीं है हमें खुश रखने की? है या नहीं है? लेकिन कारण वो नहीं है। मर्सी किसकी बात की है? हमारे पर कृपा किस बात की है कि आप इसमें आप इसको समझिए, हम इसको समझे कि यहाँ पे हम हमारे सारे तत्वों से हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट, हम नहीं कर पा रहे। तो हम समझे इस बात को और भगवान की भक्ति में लगे कि नहीं, भगवान के तत्व को समझे, ये भगवान का विज्ञान को हम समझे, द रियल नॉलेज को हम समझे और हम समझे इस बात को कि भगवान ने हम पर कृपा किस बात की है। तुलसी गालन खड़े रह के राज बिहारी खड़े हैं हमारे सामने, वो क्यों खड़े हैं? आपको आलिंगन करके वापस लेके जाने के लिए। मुझे याद है कि हम प्रचार के लिए जब जाते हैं तो प्रचार के लिए जब जाते हैं तो हम भक्त लोग प्रचार करते हैं, हम बताते हैं, तो जब ये जनरली तब होता है जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई स्टेशन पे खड़े हैं और प्लेटफॉर्म के ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं और वहां पे हम बुक स्टॉल लगाए हैं और वहां पे बहुत सारी पब्लिक आ रही है, हम भगवद गीता बांटने की कोशिश करते हैं, फिर उससे दो शब्द बात करते हैं, पहले तो किसी के पास समय नहीं होता, जो खड़ा हो जाता है वो देख के ही डर जाता है हमें, और फिर बाद में खड़े रह के चर्चाएं होती है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रबोधनते, ये श्लोक परफेक्टली है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर, मीन्स वो ट्रेन के ब्रिज के ऊपर हमारे परफेक्टली लगता है क्योंकि हजारों लोग लाखों लोग ट्रेवल करते हैं लेकिन हमारी भगवद गीता जाति कितनी है? 50, 60, 70 कितनी जाति? 1 लाख लोग जाएंगे उसमें से 50-60 लोग भी नहीं लेते। तो एक बार ऐसा ही व्यक्ति मिला, उसने मुझे बोला दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अगर हम कह रहे हैं कि ये भगवान ने जो संसार बनाया है ये हमें एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनाया है तो किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? तो अगर भगवान है और भगवान ने ये संसार को बनाया है तो भगवान पावरफुल है, भगवान ती भगवान है, तो उन्होंने हमें दुख भी क्यों संसार में डाला है दुख भोगने के लिए? प्रश्न उठता है ना कि अगर वो सुप्रीम पर्सनल गॉडेड है तो हमें इस संसार में भेजा क्यों? और यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं लास्ट 15 मिनट से कि भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। हाँ, घुमा फिरा के मैं वही बता रहा हूं कि भगवान की कृपा है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम पर्सनल गॉडेड है, कृपा भी है, तो यहां पर हमें भेजा है क्यों? हम इसको रिकंसाइल कैसे करें दोनों शब्द को, दोनों वाक्यों को? विरोधाभास है, नहीं समझ सकते। तो अगर भगवान सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडेड है तो हमारी मिजरीज को क्यों नहीं हटाते? बोलते हैं ना देखो कोरोना में कितने लोग को मार दिया, लोगों ने बहुत प्रश्न किए, अरे आपका भगवान देखो क्या कर रहा है, सुनामी ला रहा है तुम्हारा भगवान, अर्थक्वेक ला रहा है तुम्हारा भगवान, ये ऐसे ऐसे अलग अलग की बीमारियां ला रहा है। अगर भगवान मर्सीफुल है, अगर भगवान की कृपा है तो क्यों कैंसर को जड़ से नहीं मिटा रहे? आइदर द लॉर्ड हैज नो पावर
ही इज लाइक वन ऑफ अस, ये कंक्लूजन होता है लोगों का, भौतिकवादियों का, कि अगर कृपा है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है। नहीं सर जी, बोलते हैं कि नहीं सर, वो हमारे जैसा ही एक व्यक्ति है, हाँ थोड़ी सी पावर उसमें ज्यादा है, लेकिन उसमें ये शक्ति नहीं है कि हमको इस दुख के से सागर से बाहर निकाले। भगवान पावरलेस है ये बताते हैं। अच्छी चर्चा चल रही थी, बहुत बड़ी, ऐसे कोई ज्ञानी था कि यहां पे इस संसार में लोग कितना दुख का अनुभव करते हैं। और ये अनुभव जो कर रहे हैं, लेकिन अनुभव करने के बाद हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास रियल नॉलेज नहीं है। और कोई कहेगा देखो भगवान कितने निर्दयी है, ये एक पत्थर के मूर्ति स्वरूप है, उनको क्या पता, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतने लोग सफर कर रहे हैं, क्यों भगवान कुछ करते नहीं है, सड़ रही है कितनी सारी जीवात्मा इधर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दुख दुख कम नहीं कर रहे संसार के साथ, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, घोर कलयुग तो आने वाला है ना। तो भगवान के पास शक्ति है, शक्तिमान है, शक्ति भी है, सबको सबका उद्धार करने की शक्ति है, लेकिन वो मर्सीफुल नहीं है, कृपा नहीं है उनमें, वो कृपा नहीं कर रहे, इसलिए तो हम यहाँ पे यहाँ इसलिए तो हम लोग यहाँ पे सड़ रहे हैं। इसका दूसरा विरोधाभास है कि हाँ वो कृपा के पात्र है, कृपा देने वाले हैं, इज मर्सीफुल, लेकिन वो उनके पास उतना पावर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। ये दो कंक्लूजन होता है कि ही कैन नॉट टेक अवे अवर सफरिंग, कृपा है लेकिन सफरिंग नहीं ले पाएंगे, ये एक भौतिकवादी है ना ये सोचता है ऐसा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से इस जो भौतिकवादियों की ये जो चेतना है, जो सोचते हैं ना, उसका खंडन हुआ है यहाँ पे इस श्लोक में। यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्चुअली लॉर्ड हैज नॉट पुट लिविंग एंटिटी इन दिस मिजरेबल सिचुएशन, भगवान ने हमें इस दुखालय में नहीं भेजा है, भगवान ने हमें नहीं फेंका है नीचे, भगवान ने हमारी इच्छा को, हमारे जो डिजायर है, भगवान ने हमारी जो इच्छा को सिर्फ ऑथोराइज्ड किया है, ओके यू वांटेड टू एंजॉय गो, ही डिडंट स्टॉप अस, ही डिडंट स्टॉप अस, हमको रोका नहीं उन्होंने, सर गो। जैसे अगर हम कहें इसको कैसे करें, क्योंकि भगवान ने हमें भेज दिया, एक जज होता है ना कोर्ट का जज, वो क्या करता है, वो किसी को बाइज्जत बरी कर देता है और किसी को सजा दे रहा है, करेक्ट, किसी को सजा सुनाता है और किसी को बाइज्जत बरी कर देता है, ये जो दोनों डिसीजन ले रहा है ना, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ही हैज नथिंग टू डू विद द पनिशमेंट, एंड अगर किसी को वो सजा दे रहा है या किसी को वो छोड़ देता है, उसका वो ड्यूटी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो किसको छोड़ देता है, किसको बाइज्जत बरी कर देता है या किसी को फांसी की सजा देता है, वो कैसे देता है बताइए, वो उस व्यक्ति ने क्या कर्म किए हैं, क्या गुनाह किया है, क्या कार्य किया है, क्या इच्छा की है, उसके अनुसार उसको सिर्फ वो रिजल्ट दे रहा है, जजमेंट दे रहा है, समझ रहे हैं आप। तो उस व्यक्ति को अगर किसी को सजा मिल रही है तो वो उसके अपने कर्म के वजह से मिल रही है, और उसके वजह से उसको सजा मिलेगी, हाँ, और जैसे सजा उसको मिलेगी तो वो जेल में चला जाएगा। सैंक्शन किसने किया, जज ने, लेकिन जज को कोई दोषी मानता है, किसको दोषी मानता है, क्वेश्चन है। किसी ने किसी को सजा मिल गई, अरे फांसी की सजा मिल गई, हाँ, कसाब को फांसी की सजा दे दी, तो ये जज है ना बहुत क्रूर है, ये जज है ना ये बहुत
ठीक नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसने उसको सजा दी, फांसी की। देखो कितना कितना क्रूर है जज। कोई जज को गाली देता है, कोई जज को कहता है कि नहीं तुमने तुम ठीक नहीं हो? नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए, उस व्यक्ति ने ऐसी इच्छा की है। तो यहां पे यही प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि वो हमारी इच्छा के कारण भगवान ने इस संसार को बनाया। तो सोचिए भगवान को कितना काम पे लगाया हमने हमारी इच्छा के लिए। एक्चुअली भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। दिन में कितनी सेवा करते हो भगवान की बताइए, कोई भी व्यक्ति? थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ी अगरबत्ती जला ली, एक अगरबत्ती, एक दिया। लेकिन भगवान को देखो, अपनी पूरी शक्तियां, एक पूरी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, माया, सारे लोगों को हमारे लिए कार्यरत करना पड़ता है, हमारे लिए कार्य करना पड़ता है। और क्यों कार्य कर रहे हैं सब लोग? हमें समझाया, हमें हमें समझने के लिए कि इस दुख में, ये संसार में दुख लगा, उस दुख ही भरा हुआ है। यू गो बैक होम टू गॉड। ये सब कार्यरत है, ये सारी शक्तियां, ये जितनी भी शक्तियां है, पराशक्ति, अपराशक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये सारी शक्ति सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि भाई तुम इस संसार में सुखी नहीं रह सकते। यू कैन नॉट, दिस इज नॉट द प्लेस यू टू लिव डिवोटिया, डिवोटी के लिए। हम यहां पे नहीं सेटल हो सकते। हम यहाँ का, हम यहाँ के बारे में हम सोचते हैं कि यहाँ पे मैं नित्य रहूंगा, नहीं रह सकते, हमेशा रहेंगे, नहीं रह सकते, मूर्ख है हम। भक्ति सरस्वती ठाकुर एग्जाम्पल देते थे कि यहाँ पे इस भौतिक जगत में सड़ना मतलब मतलब है कि हम एक एक दावाग्नि है। अगर हम समझे कि आसपास में आपके आग लगी हुई है और उसके बीच में हम सो रहे हैं, सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये सारे बाजू में आग लगी है ना, मेरे घर में थोड़ी लगी है। आज नहीं तो कल वो आग तो अंदर आएगी, आएगी। तो अगर अगर नीचे, आप समझिए, आप सोचिए नीचे के घर में आग लगी हुई है और आपको अचानक वॉचमैन फोन कर दे कि नीचे के घर में आपके आग लगी है। और ठीक है, नींद में आप, और ठीक है आप फोन रख रहे हो और फिर वापस एसी तो चालू है 22 डिग्री सेल्सियस, और क्विल्ट को ओढ़ लिया और सो गए। होता है ऐसा? होगा? नहीं होगा। यू कैन नॉट स्लीप। आप वहां से भाग के नीचे आओगे पहले, उस आपके नीचे वाले फ्लोर के ऊपर जो आग लगी है ना उसको बुझाने नहीं जाओगे, पहले तो नीचे आ जाओगे। पहले तो भाग के नीचे आओगे, अपने आप को बचाओगे। ऐसा ही है, ये शास्त्र हमें वही बताते हैं। आग लगी है, संसार दावा ललड़ी ललों का, हर रोज गाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो गाते हैं प्रभु जी, वो गाने के लिए दिया है, उसको आचरण करने के लिए थोड़ी दिया है। वो तो गाने का है, सुंदर आरती है ना, मंगल आरती। प्रणाय कारुण्य घन घनात्वम्। पूरा फॉरेस्ट फायर है वो, और हम पूरे मटेरियल विजरी से हम सराउंडेड में है, मीन्स वहां पे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं रहूंगा, आग लगी है फिर भी बीच में ही बैठा रहूंगा, नहीं बैठ सकते। लेकिन वो आग है ना, वो आग लगती नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। ये सारे दुख जो हमारे जीवन के साथ लगे हुए हैं ना, जो मंडरा है ना हमारे जीवन में, ये सब हमें आग के समान नहीं लगते, वो हमें लगते हैं किसके समान? ठंडे ठंडे बारिश के समान। वो बर्फीली एकदम ठंडा बारिश, एकदम हाँ आनंद दे रहा है, फिर थोड़ा सा झटका मिल जाता है संसार में, अरे क्या हो गया ये। ट्रैवल करते हैं, वृंदावन जाएंगे ना अभी कार्तिक में आप लोग सब, हाँ टिकट निकाल रहे थे हम लोग सब, हाँ बर्थ है ना हम लोग के सब भक्तों को अलग अलग कोच में मिली। देखो टिकट मिलने का आनंद नहीं है, लेकिन टिकट सबकी एक साथ नहीं आई उसका दुख है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, आप समझ रहे बात को? प्रभु जी 70-80 लोग जा रहे हैं हम लोग, लेकिन सब बिखरे हुए हैं,
अरे दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 16 आवर्स, फॉरगेट इट, आफ्टर 8 डेज यू आर देयर इन वृंदावन टूगेदर इन वन आश्रम, दैट इज अ रियल हैप्पीनेस, ट्रैवलिंग ऑफ द जर्नी। हाँ ठीक है, भाव है भक्त का अच्छा कि प्रभु जी सब साथ में बैठते, कीर्तन होता, प्रसाद बट्टा, आनंद का अनुभव होता। हाँ ठीक है, नो डाउट, वही भक्त भी वही करता है। ये जो हमारा परमानेंट हैप्पीनेस हुआ भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में, लेकिन ये जर्नी है, ये टेम्पररी जर्नी है, यू डोंट फाइंड टू फाइंड हैप्पीनेस हियर। आप समझ रहे हैं उदाहरण को, दिस इज लाइव एंड प्रैक्टिकल उदाहरण, करेक्ट। हाँ 16 घंटे की जर्नी, मेरी सीट, प्रभु जी विंडो सीट नहीं मिली एक भी। अरे अरे बाबा निकल चल वो वृंदावन। हाँ अरे बर्थ मिली वही इंपॉर्टेंट है, वेट लिस्ट में नहीं है तू। एक और एक उदाहरण भक्तिसार सही ठाकुर देते हैं, ये तो बीच में मेरे ध्यान में आ गया प्रैक्टिकल, लेकिन और एक उदाहरण जो मैंने लिखा था, हम लोग जाते हैं बचपन में, हमने देखा है ना वो मिट्टी पे हमने घर बनाया है, मिट्टी में घर बनाया, बंबई वालों के लिए तो बहुत नॉर्मल है, घर बनाते बनाते ही बड़े हुए, हर संडे जाते थे और मिट्टी का घर बना देते। कभी एक बंगला बना दिया, दूसरा बंगला बना दिया, लेकिन आज तक वो बंगला बना नहीं है एज इट इज। बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सोचे, ये सब सोचना चाहिए, शांति से बना रहे, और उसके बाद क्या होता था, मामा मम्मी पापा कहते थे चलो चलो अभी लेट हो गया, 8 बज गए, चलो चलो संडे खत्म हो गया। फिर क्या करते थे अज्ञानी जीव, क्या करता है पता है? अपने पैर से जो 2 घंटे मेहनत की है ना, उसको लात मार के तोड़ देता है। अनुभव हुआ ही आप कभी, देखा है ऐसा? आई एम राइट और रॉन्ग, चैट में लिख सकते हैं। तोड़ देता है, तो ये जो तोड़ देता है ना वो मृत्यु है, वो मृत्यु है। जब मृत्यु के समय सब कुछ हम छोड़ के सब तोड़ के चले जाते हैं, हमारे संबंध भी हम सब तोड़ के चले जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। व्हेन वी डाई, व्हेन वी लीव दिस मटेरियल बॉडी एंड होल 70, 80, 90, 20 ईयर्स, हर एक के अपने कर्म के हिसाब से जो जिंदगी जी रहा है, एंड वी थिंक आई एम नॉट द सोल, आई एम जस्ट बॉडी, ये संसार मेरे लिए है, ये मेरा है, सब कुछ मेरा है। नो नो, टोटली फॉल्स। सो जो जो भक्त है, जो जो ये शास्त्रों को पढ़ रहा है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो सब ज्ञानी है, उसको सब पता है, वो सब समझता है, वो सब समझता है कि अगर इस भौतिक जगत के प्रॉब्लम्स जो है उसको अगर वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा, हाँ तो वो सॉल्व कर पाएगा, बट इट इज अ टेम्पररी, क्षणिक है। अगर किसी को भूख लगी है और उसको खाना दिया तो वो टेम्पररी है, उसको अगर आपने उसको 2 रोटी दे दी तो वो टेम्पररी है, बट उसकी परमानेंट जो उसके पेट का जो जो उसके हम कह सकते हैं कि उसकी जो भूख है वो तो नहीं मिटेगी ना, आप एक टाइम का उसको खाना खिलाओगे नो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जड़ शरीर हमें दिया गया है भोगने के लिए, और इसको भोगने में हम आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये संवाद जो है ना, भगवान सामने खड़े हैं और हमें बता रहे हैं कि भगवान आपने, आपके इच्छा से हम नहीं है यहाँ पे, हमारी इच्छा से हम यहाँ पे हैं, एंड यू डोंट, आपको आपको आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, देर इज नो मिस्टेक्स। ये बहुत सुंदर है, और हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। जो भक्त होता है ना वो इस संसार में आनंद का अनुभव करने की कोशिश ही नहीं करता, वो आनंद अगर है भी तो वो आनंद को आनंद नहीं समझता, वो कहता है कि हाँ ठीक है, इसको टेम्पररी आनंद समझता है, इट्स अ टेम्पररी हैप्पीनेस, इट्स नॉट परमानेंट। हम भक्ति करेंगे, भगवान के धाम लौट जाएंगे, इसलिए भक्ति सरस ठाकुर
यहाँ पे विराम देने के पहले कहूंगा, अपने भक्तों को कहता है, कहते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, इस भौतिक जगत दुखालय और शाश्वत है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार जो मेन हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई कड़िया है, इसके अंदर हम फंसे हुए हैं यही जन्म में, नॉट अदर्स, बिकॉज ऑलवेज हमने हर बार ऐसे ही सोचा कि प्रभु जी हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़े बड़े सीनियर भक्तों ने कहा कि हम जहां हमारी भक्ति को छोड़ेंगे वहीं से वापस शुरू हो जाएगी, करेक्ट, सुना है ना, शुरू हो जाएगी, और इसी के वजह से हम क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट बर्थ में हम वापस शुरू करेंगे। बट भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने लेक्चर में अपने शिष्यों को कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस डिवोशन, डिवोशन हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि यही मेरा लास्ट जन्म होना चाहिए, और उसके आगे वो कहते हैं बिकॉज यू हैव द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे आगे आगे हम देखेंगे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वहां पे, तभी हमें भगवान की भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी कम होगी, सो इट्स हाई टाइम नाउ, अभी तुरंत इसी जन्म में वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू गो बैक टू गॉड, इट नो 50%, नो 20%, नो 30%, नो 80%, 100%। भक्तिसागर सर ठाकुर कहते हैं अपने शिष्य को, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट बर्थ, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट चांस। सो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, किसी भक्तों का कोई कमेंट्स, टिप्पणी, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं।